हाँ मैम, आपका रिज्यूमे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुझे ये बताएंगी कि आप ये जॉब करना क्यों चाहती है? सर, मुझे खुद का घर बनाना है। खुद का घर? तो फिलहाल आप रेंट के घर में रहती है? जी नहीं सर, मैं अपने पति के घर में रहती हूँ। अगर आप पति के घर में रहती है तो फिर आपको अपना घर बनाने की क्या ज़रूरत है? सर, मुझे अपने पति के घर में रहने के बाद भी ऐसी फीलिंग आती है कि मैं किराए के घर में रह रही हूँ। एक्चुअली मैं कुछ समझा नहीं। सर, जब भी मैं अपने हक के लिए या अपनी कोई भी चीज़ के लिए अपने पति से बात करती हूँ, तो मुझे हमेशा यही धमकी मिलती है कि जो भी मनमानी करनी है अपने माँ बाप के घर में जाके कर। और जब मैं अपने माँ बाप को बोलती हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं ऐसे परेशान हूँ, तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि बेटा, वही तेरा घर है, वहीं पर रह, अच्छे से रह, या कोई तुझे कुछ ही बोलता है जस्ट सुन ले। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मेरा कौन सा घर है। सर, आप मुझे एक बात बताइए कि लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़कर पति के घर में आती हैं उसे अपना घर समझकर, लेकिन लड़कियों को हमेशा वो नहीं मिल पाता है जिसकी वो हकदार होती हैं, जो वो डिज़र्व करती हैं। हमेशा उसे पराए जैसे ट्रीट किया जाता है। क्यों आखिर? क्या लड़कियों की कोई फीलिंग नहीं होती? मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, मेरे बहुत सारे सपने थे, पर क्या हुआ, मेरी शादी फिक्स कर दी गई। बहुत अच्छे से शादी हुई, मेरे माँ बाप ने इतना सारा कर्जा भी लिया सिर्फ मेरी खुशियों के लिए, लेकिन मुझे अपने पति के घर में कभी प्यार नहीं मिला, वो हक नहीं मिला जिसकी मैं हकदार हूँ। सर, लड़कियाँ तो चिड़िया जैसी होती हैं, पर पंख नहीं होते। ससुराल होते हैं, मायके भी होते हैं, पर घर नहीं होते। माँ बाप कहते हैं कि बेटियाँ तो पराया धन है, और ससुराल वाले कहते हैं कि पराए घर से आइए। आखिर लड़कियों का कौन सा घर है? भगवान ने लड़कियों के लिए कौन सा घर बनाया है? सर, आप मुझे बताएंगे? सागर, वो घर का ना सारा काम हो गया है। नीरू का फोन आया था, वो दिल्ली आई हुई है, मिलने के लिए बोल रही है। मैं चली जाऊं? यार, तुम्हारा ना हमेशा का हो गया है। घर का सारा काम खत्म होता नहीं है कि तुम्हें बाहर घूमना होता है। अरे, कभी तुमने इस घर को अपना घर समझा है? बस दो काम कर लिए, मेरे को बाहर जाना है। अरे, कभी काम भी कर लिया करो ध्यान से, मन लगा के। कोई बात नहीं, मैं कोई घर का काम कर लेती हूँ, उससे बाद में मिल लूंगी। हाँ, ये अच्छा किया। एक काम करो, अगर खुद के पास कोई काम है ना, तो मम्मी के पास जाओ, उनके पास पक्का तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम होगा। जाओ, चलो बाहर घूमवा लो महारानी को। सर, मुझे ये जॉब मिलेगी ना? हाँ, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आप बाहर रिसेप्शन से अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना। थैंक यू सर। हेलो सौरा, सुनो, तुम्हें जहाँ भी जानो ना, अपने किसी फ्रेंड या अपने रिलेटिव या अपने मायके, तो तुम बेझिझक जा सकती हो। तुम्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना माँ से, ना पापा से, ना मुझसे। तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती हो, बिल्कुल फ्री होकर। और हाँ यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे, आपको अचानक हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये समझ में आ गया कि औरत होती क्या है।